कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। जब दुनिया के अनेक देशों में एयर स्पेस बंद था, तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी। अनेक देशों के हेल्थ कर्मचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है, आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडस्ट्री फॉर 4.0 के 4 मुख्य फैक्टर्स होने वाले हैं, कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जहां सबसे ज्यादा डेटा उपलब्ध है, जहां के दूर दराज क्षेत्रों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है। भारत का ऑटोमेशन डिजाइन का एक्सपर्ट पूल भी बहुत बड़ा है और ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बरसों से अपनी क्षमता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट के लिए भी एक स्टडी का विषय है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है। अभी दिसंबर के महीने में, अकेले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपीज का लेन देन UPI से हुआ है। यहां जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत द्वारा विकसित UPI व्यवस्था को अपने यहां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमने यह भी देखा है कि कोरोना संकट के दौरान अनेक देश परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधे आर्थिक मदद कैसे पहुंचाए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपीज से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट भी बनाया है और ट्रांसपेरेंट भी बनाया है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर के इजी एक्सेस के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है। और साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित फोरम पर सभी को यह भी आश्वासन देता हूं कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में है, वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। कोरोना के इस समय में भी भारत ने करीब करीब हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को तेज किया है। इन रिफॉर्म्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से सपोर्ट किया जा रहा है। अब भारत में टैक्स रीजन से लेकर FDI नॉर्म्स तक एक प्रिडिक्टेबल और फ्रेंडली एनवायरमेंट है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति लगातार बेहतर हो, इस दिशा में भी काम जारी है।
और एक विशेष बात यह भी है कि भारत अपनी ग्रोथ को क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के साथ भी बहुत तेजी से मैच कर